हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज बैकपैकर एक और नए ब्लॉग के साथ, और मैं हूं अभी चंडीगढ़, हरियाणा का ग्रीन सिटी एंड कैपिटल, और मैं इस वक्त हूं सेक्टर 1 में रॉक गार्डन। जी हां, ये देखिए, रॉक गार्डन जिसको बनाया था नेकचंद सैनी जी ने 1957 से जो है इसका काम शुरू हुआ था, और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, और इसकी एंट्री टिकट लगती है 30 रुपये पर पर्सन। तो चलिए अब एंटर करते हैं। और मेरे साथ हैं स्ट्रिप पे रिंकू बाबी, गोला भाई, पार्थ सो रहा है, ये देखिए हमारे बुर्गे छोटे उस्ताद और गुन्नू। हेलो करो, हेलो। चलिए अब एंट्री करते हैं यहाँ से। और ये है ब्यूटी रॉक गार्डन की, यानी जितना भी गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, होम वेस्ट हो, वो सब ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको हम थ्रो आउट कर देते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके नेकचंद सैनी जी ने इतना खूबसूरत रॉक गार्डन बनाया है। ये जैसे टाइल्स वगैरह हैं, वॉश बेसिन, सिंक, बॉटल्स, इंडस्ट्रियल कोई भी वेस्ट, सब का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करके एक शानदार गार्डन ये बनाया गया है। अभी इसकी ये एंट्री पॉइंट है, अभी धीरे धीरे चलते हैं आगे और देखते हैं। और बुर्गिर यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारा बुर्गिर रॉक गार्डन घूम रहा है। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, गर्मियों में मत आना यहाँ पे, है ना, गर्मी लग रही है। हेलो करो, से हेलो हेलो, दोनों हाथों से करते बेटा। वाटरफॉल हेलो बुर्गिर। और ये बुर्गिर हमारे हैं लद्दाखी, और इनके गर्मी में हो जाते हैं गाल लाल। ये देखिए कैसे रॉक्स को काट काट के उनको एक डिज़ाइन देके यहाँ पे ये पूरा एक बनाया गया है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल, अभी पहुँचेंगे हम वाटरफॉल के साइड। अंदर बना रहे हैं स्केच, और यहाँ पे स्केचर्स भी बैठे हुए हैं, और एक 1% स्केच के प्राइस हैं यहाँ पे 500 रुपये। और ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल, काफी क्राउड है। हेलो पार्थ, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों फुला रखा है? मुंह फुला रखा है पार्थ ने, गुस्सा है, बुगी गाल लाल कर रखे हैं, गम्मी है। मम्मी तो ये आप देखिए, आप साइडों में देख रहे हैं जो वॉल्स हैं वो सारी रॉक्स की हैं, और रॉक्स को डिज़ाइन किया गया है, उनको काट के तराश के। अच्छा, ये सेकंड वाटरफॉल है यहाँ पे रॉक गार्डन में। और चलिए अब आगे चलते हैं।
हेलो यहाँ पे देखिए क्या जबरदस्त ट्रेली देखिए यहाँ पे लाफिंग मिरर्स भी हैं। अभी इस सेक्शन में आएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक कैफ़े है तो थोड़ा पानी की प्यास काफ़ी लग गई है, तो पानी की बोतल आप हमेशा साथ लेके आएँ, साथ कैरी करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पे जो है पानी की कमी महसूस होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो हम यहाँ पे इस कैफ़े में आ गए हैं और यहाँ से कुछ पानी वगैरह कुछ पीने का लेते हैं, उसके बाद बाकी सेक्शन और विज़िट करते हैं। यहाँ पे आपको जो मिल सकती हैं चीज़ें, तो पानी पी करके अब हो गई है बॉडी हाइड्रेट और सबके चेहरे खिल उठे हैं और अब तैयार हैं लाफिंग मिरर्स देखने के लिए। ये देखिए बर्गर कैसे दिखेंगे बर्गर लाफिंग मिरर में। ये मैं हूँ। छोटे छोटे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, ये देख घोड़ा छोटा हो गया ना, छोटा छोटा हो गया। इसमें लंबे हो गए। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स हैं जिनके अंदर में आप किसी में बड़े हो जाते हैं, किसी में छोटे दिखते हैं, किसी में मोटे दिखते हैं, किसी में पतले दिखते हैं। सो इट्स लाफिंग मिरर्स, इनको देख के जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए अब आ गए हैं हम इस सेक्शन में जहाँ पे लगे हुए हैं झूले। और घोड़ा भाई यहाँ पर देखिए लेडीज बैग टांग के और जिस हिसाब से फोटो खींचते हैं, सच में कमाल के फोटोग्राफर हैं ये। बर्गर यहाँ पे आ गए हैं फुल पावर रोल। ये देखिए यहाँ पे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है भाई बर्गर को। Thank you.
बैंगल्स हैं, टूटी हुई चूड़ियों से बना रखे हैं। अरे बुर्गी रो रहे हैं। और बुर्गी अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, धूप से परेशान हैं। मम्मा टोपी रख लेती इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये था रॉक गार्डन का सफ़र। और ऑलमोस्ट जब भी आप रॉक गार्डन आओ तो कम से कम आपके पास 2 घंटे होने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड टाइम है। 2 आवर्स मिनिमम्स रिक्वायर्ड हैं। एंट्री टिकट जैसे मैंने आपको बताई कि 30 रुपीज़ पर पर्सन, और कार पार्किंग है 20 रुपीज़। सो ये था रॉक गार्डन सेक्टर 1 चंडीगढ़ में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। किस तरह से दिमाग और कला का इस्तेमाल किया है नेकचंद सैनी जी ने इस रॉक गार्डन को बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।